चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही थीं और चलती रहेंगी। फिलहाल हम कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और कोविड की स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला है। विश्वास सारंग ने कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। विश्वास सारंग ने कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर भी चुटकी ली। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी चिकित्सीय व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी और चलती रहेंगी। हमने कोरोना के भीषण काल में भी ये सुनिश्चित किया कि हम मध्य प्रदेश की जनता को उचित और समयबद्ध इलाज उपलब्ध करा सकें। तीसरी लहर की भी हमने पूरी तैयारी कर ली है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पहले तो हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर ना आए, और गलती से यदि आती है तो उसकी भी हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। देखिए, गुट और गिरोहों में बटी हुई पार्टी, गुट और गिरोहों में कबीलों के नेताओं जैसे अपनी अपनी रियासत पर मठाधीश बनने की जो कोशिश कांग्रेस के नेता करते हैं, जैसे सरगना होता है ना, अलग अलग गिरोह का अलग अलग सरगना, तो अलग अलग एरिया का मैं हूँ इस कबीले का मालिक। तो अजय सिंह जी को लगता है कि रीवा और विंध्य क्षेत्र में तो मेरी रियासत है, वहाँ कमलनाथ जी का आदमी कैसे पहुँच गया। तो गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी में यही होने वाला है।